बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं समझना है। चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री सिन टेक्स्ट बुक बोर्ड 9th क्लास। ठीक है, ये रही वो बुक, देख लीजिए। और इसका कौन सा टॉपिक? फाइनल टॉपिक 1.5 साइंटिफिक अप्रोच जो है वो हम करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, कन्फ्यूजिंग टॉपिक है? नहीं, इतना कन्फ्यूजिंग नहीं है, टेंशन नहीं लें, कॉपी पेंसिल ले लें और सारा लेक्चर जो है वो नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। गुड, शाबाश। ठीक है, तो साइंटिफिक अप्रोच है क्या? ये मेथड है एक। क्या है ये मेथड? है कौन सा मेथड है भाई? मेथड का मतलब है तरीका। मेथड तरीके को कहते हैं। क्या है इस मेथड के अंदर? आपको याद है मैंने एक मिसाल दे के आपको समझाया था कि बिरयानी, अगर मैं आपसे कहूँ बनाए भाई बिरयानी, तो आप कहेंगे सर बिरयानी कैसे बनाएं, हमें तो बिरयानी बनानी नहीं आती। लेकिन अगर मैं आपको रेसिपी दे दूँ बिरयानी बनाने की, तो आप फौरन ही बिरयानी बना लेंगे। क्यों? क्योंकि रेसिपी के अंदर सब कुछ लिखा हुआ है कि किन किन चीज़ों की आपको ज़रूरत है और उसकी मदद से आप बिरयानी बना सकते हैं। ठीक हो गया। अब उस रेसिपी के अंदर सिर्फ यही नहीं लिखा हुआ है किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, बल्कि उसके अंदर स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। क्या लिखे हुए हैं? स्टेप्स। स्टेप्स के पहले आप ये करें, फिर आप ये करें, फिर आप ये करें, फिर आप ये करें। स्टेप नंबर 4 जब तक नहीं कर सकते आप, जब तक आप स्टेप नंबर 3 ना करें। समझ आ रही है बात आपको? स्टेप नंबर 6 आप जब तक नहीं कर सकते, जब तक आप स्टेप नंबर 5 ना करें। स्टेप नंबर 5 आप जब तक नहीं कर सकते, जब तक आप स्टेप नंबर 4 ना करें। तो स्टेप का मतलब ये होता है कि पहले ये करें, उसके बाद ये करें, उसके बाद ये करें, उसके बाद ये करें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्टेप्स का ख्याल रखना। तो आप उन स्टेप्स पे अमल करेंगे तो उसके बाद क्या होगा, आप बिरयानी बना सकते हैं। साइंटिफिक अप्रोच जो है ये भी एक मेथड है साइंस की दुनिया में। क्या हो रहा है भाई इस मेथड से? क्या इसमें भी स्टेप्स हैं? बिल्कुल स्टेप्स हैं इसके अंदर। और वो स्टेप बताने से पहले ये तो देखेंगे साइंटिफिक अप्रोच जो है वो कर क्या रहा है। स्टेप तो हैं, स्टेप करने के बाद हमें मिलेगा क्या ये अभी नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन मैं आपको पहले लेके चलता हूँ दुनिया में। साइंस जो है वो समझने का नाम है। देखें, हमारी पूरी दुनिया में, मैं आपको बार बार समझाता हूँ ये बात, ये दुनिया की बात जो मैं करता हूँ ना, अर्थ की, ये आपका हेडक्वार्टर है, ये आपका बेस है। इससे बाहर ना जाया करें आप, नहीं तो फिर आपके लिए चीज़ें जो है ना वो अजीब व गरीब हो जाएंगी साइंस की। आप बोलेंगे पता नहीं क्या है ये। तो दुनिया में रहें। साइंस केमिस्ट्री बड़ी मज़े की चीज़ है, ये हमारी इर्द गिर्द बिखरी हुई चीज़ों से ही मुतालिक है भाई। तो दुनिया में रहते हैं हम, दुनिया से बाहर नहीं जाएंगे। आप पहाड़ों में गए, माउंटेन्स में गए, खुदाई किया आपने, उसके बाद क्या हुआ, वहाँ से जो है वो कोयला निकालने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ से आपके पास एक पत्थर निकल आया, वहाँ से आपने देखा उसमें से लाइट निकल रही थी। अब लाइट निकल रही थी तो आपने बोला यार ये लाइट इसमें से क्यों निकल रही है? आपने जो है वो इर्द गिर्द लोगों को जो है इकट्ठा किया, उनको दिखाया, किसी की समझ में नहीं आया कि लाइट क्यों निकल रही है। आपने न्यूज़पेपर में पब्लिश कर दिया, दुनिया भर में बात बताई, पूछा यार ये लाइट क्यों निकल रही है, किसी को नहीं पता। ये पता है क्या है? इसको हम कहते हैं नेचुरल हैपनिंग। क्या कहते हैं? नेचुरल हैपनिंग, कुदरती तौर पर होने वाली कोई एक्टिविटी जो कि किसी को समझ में नहीं आ रही, इसको हम नेचुरल हैपनिंग कहते हैं। और एक खास नाम जो बार बार आप सुनते हैं उसको हम कहते हैं फिनोमिना। ये आपने बहुत सुना होगा, फिनोमिनन। फिनोमिनन जो है ये सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, और अगर इसके आगे मैं ए लगा दूं फिनोमिना तो ये प्लूरल हो जाएगा। ग्रीक लैंग्वेज के अंदर सिंगुलर प्लूरल इसी तरह बनाए जाते हैं। तो फिनोमिना या फिनोमिनन क्या है? इसको हम कहते हैं नेचुरल हैपनिंग। नेचुरल हैपनिंग, कुदरती तौर पर होने वाला कोई काम, कोई एक्टिविटी, उसको हम फिनोमिना कहते हैं। तो ये क्या हुआ? ये कुदरती तौर पर एक काम हो रहा है और आपको समझ नहीं आ रही इसकी कि ये हो कैसे रहा है, क्या कहलाएगा ये? ये नेचुरल हैपनिंग, ये फिनोमिना कहलाएगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ गई हमारे। इसको उर्दू में कहा जाता है मजहर। ये भी बता दूं आपको, फिनोमिना का मतलब है मजहर, ठीक है, कुदरती तौर पर कोई काम होने वाला। तो वो क्या है? अब वो आपके लिए यकीनन एक प्रॉब्लम है, आप उसको जानना चाहते हैं कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो साइंटिफिक अप्रोच, क्या हमारे पास साइंस में ऐसा कोई है, कोई ऐसा प्रोसेस है, कोई ऐसा मेथड है जिसके जरिए हम साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? क्या कहा मैंने? साइंटिफिक प्रॉब्लम को। ये उस पत्थर से लाइट का निकलना भी यकीनन एक साइंटिफिक प्रॉब्लम है। तो क्या हमारे पास कोई ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम साइंस से रिलेटेड मसाइल को हल कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं? जी बिल्कुल है, और उसको हम कहते हैं साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच आपको वो स्टेप बताता है कि आप उन स्टेप पर अमल करते रहें तो आप उस साइंसी मसले का हल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आपको पता लग गया साइंटिफिक अप्रोच क्या है। ये एक मेथड है, मेथड टू सॉल्व साइंटिफिक प्रॉब्लम्स।
साइंटिफिक प्रॉब्लम, घरेलू मसले मसाइल को ये साइंटिफिक अप्रोच के स्टेप हल नहीं करते भाई। साइंटिफिक प्रॉब्लम, साइंस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं वो हल होती हैं साइंटिफिक अप्रोच के जरिए, क्योंकि ये आपको वो स्टेप देता है जिन पर आप अमल करते रहें तो आप उस मसले का हल निकाल सकते हैं। और साइंटिफिक प्रॉब्लम ज़्यादातर क्या है, हमारे पास फिनोमिनन्स होते हैं, नेचुरल हैपनिंग्स होती हैं, कुदरती तौर पर हमारी ज़मीन पर आसमान पर ऐसी चीज़ें, ऐसे वाकयात, ऐसे काम जिनका हमें नहीं पता, तो वो हमारे लिए फिनोमिना है, उसका हम हल निकालना चाहते हैं तो हम क्या करें, साइंटिफिक अप्रोच की तरफ जाएंगे, इस मेथड को फॉलो करेंगे। समझ में आ गई बात। अब इसके स्टेप्स क्या हैं, स्टेप नंबर वन में पहला स्टेप है ऑब्जर्वेशन का। क्या मतलब, पहला स्टेप क्या है ऑब्जर्वेशन का, ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है गौर करना। क्या मतलब उर्दू में हम इसको कहते हैं, गौर करना, ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व आप किनसे करते हैं, आप याद रखें मैंने आपको पहले ही बात बताई है, हमारी दुनिया में इर्द गिर्द बिखरे हुए सारे मसले मसाइल जो कुछ भी हैं, सारी इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे वजूद से बाहर है, हमारे वजूद के अंदर है, वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी किनसे, हमारे 5 सेंसेस हैं, देखना, सुनना, सूंघना, चखना और महसूस करना, आपके कान, आपकी नाक, आपकी आंखें, आपकी जबान और आपकी स्किन, इन 5 सेंस ऑर्गन्स की मदद से आप इर्द गिर्द की मुख्तलिफ वैरायटी की इन्फॉर्मेशन जो है वो गेट करते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आप क्या करेंगे, सबसे पहले ऑब्जर्व करेंगे, और ऑब्जर्व जो है वो आप ज़्यादातर अपनी आंखों से ही करते हैं, कानों से करते हैं, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है, ये एक प्रोसेस है, ऑब्जर्वेशन क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में आप क्या कर रहे हैं, प्रोसेस या एक्शन, प्रोसेस टू मॉनिटर, ये स्कूल के बच्चों वाले मॉनिटर नहीं है, प्रोसेस टू मॉनिटर, मॉनिटर का मतलब होता है नज़र रखना, टू कीप एन आई, टू कीप एन आई, नज़र रखना चीज़ों के ऊपर, प्रोसेस टू मॉनिटर और टू कीप एन आई ऑन अ थिंग, ऑन फिनोमिना, उस फिनोमिना के ऊपर जो है वो उसको ऑब्जर्व करना, उसके ऊपर उसको मॉनिटर करना, गौर व खौज करना उसके ऊपर कि ये क्यों हो रहा है। और जब भी आप ऑब्जर्वेशन करते हैं आपको यकीनन कोई ना कोई जो है वो इन्फॉर्मेशन उससे मिलती है। केस स्टडी के तौर पर यहाँ पर, हालांकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं लेकिन चलें बायो वाले बच्चे भी खुश हो जाएंगे, ये बायोलॉजी की बुक में भी आपने देखा होगा, मलेरिया, मलेरिया भी एक क्या था, एक साइंटिफिक प्रॉब्लम थी, हज़ारों लाखों लोग इस डिज़ीज़ की वजह से मर गए। आजकल तो मलेरिया का कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, अगर आपको मच्छर काट लेता है तो आप जाएं और आराम से आपकी मेडिकेशन हो जाती है और मसला हल हो जाता है। लेकिन यही डिज़ीज़ मलेरिया जो है बड़ी फॉटल थी, मोहल्लिक थी किसी ज़माने के अंदर, और लाखों लोग इसकी वजह से मर गए। तो अब इसका हल कैसे निकाला जाए, तो साइंटिफिक अप्रोच की तरफ गए और उन्होंने बोला भाई इन स्टेप्स पर अमल करें और जो है आपका मसला हल हो जाएगा। साइंटिफिक अप्रोच जनरेट करने वाले जो लोग थे, आपको याद होगा मुस्लिम पीरियड में मैंने बताया था कि मैं साइंटिफिक अप्रोच आगे चल के बताऊँगा, साइंटिफिक अप्रोच ये डिज़ाइन करने वाले भी मुस्लिम साइंटिस्ट ही थे। उन्होंने बताया था कि कौन से स्टेप्स हैं उनको फॉलो करेंगे तो आप किसी मसले का हल निकाल सकते हैं। ये अच्छा वो मुझे याद आ गया, ये मैंने बता दिया आपको, वहाँ पर ये आया भी था। अब यहाँ पर मलेरिया की वजह से अमवात हो रही हैं, आप उस जगह पे गए और आपने उस जगह पे जाके जो है वो गौर किया, आपने क्या किया उस जगह पे जाके गौर किया कि ये अमवात क्यों हो रही हैं, ये डेथ क्यों हो रही हैं। तो आपने जब वहाँ पर गौर किया तो वहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आईं, आपको पेशेंट नज़र आए और इसके अलावा आपको जगह जगह गंदगी के ढेर नज़र आए। और जब आप दूसरी जगह पर गए जहाँ पर मलेरिया के पेशेंट नहीं थे तो वहाँ पर आपने जो है वो देखा कि यहाँ तो मलेरिया नहीं है, तो आपने देखा कि वहाँ पर गंदगी के ढेर भी नहीं है और वहाँ पर मच्छर भी नहीं हैं। उसके बाद फिर आपने क्या किया, ये सारी आपकी ऑब्जर्वेशन थी जिससे आपको डेटा कलेक्ट किया, आपने सारी की सारी मालूमात इकट्ठी की और अब आप इस मालूमात के ऊपर जो है वो वर्कआउट करने जा रहे हैं। यकीनन आपको कुछ ना कुछ अब आइडिया हो गया होगा कि यार ये जो है वो जिन इलाकों में मलेरिया के पेशेंट बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पर जो है वो गंदगी भी बहुत ज़्यादा और मच्छर भी बहुत ज़्यादा हैं, और दूसरी जगहों वहाँ जहाँ पर मलेरिया के पेशेंट जो हैं वो नहीं हैं वहाँ पर वजह क्या है, वहाँ गंदगी भी नहीं है और वहाँ पर अल्टीमेटली मच्छर भी नहीं है। तो ये तो हमारी बात हो गई ऑब्जर्वेशन की, ये आपको सारा स्टार्ट हो गया। अब आप क्या करेंगे, डेफिनेटली नेक्स्ट स्टेप जो है वो आपका क्या होगा, हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस, अब इस
इंफॉर्मेशन की रोशनी में, इस डेटा जो आपने कलेक्ट किया है इसकी रोशनी में आप क्या करेंगे, आप हाइपोथेसिस कायम करेंगे। हाइपोथेसिस को उर्दू में कहते हैं मफरूजा। क्या कहते हैं? मफरूजा, यानी कि मफरूजा वर्ड निकला है फर्ज करने से, कोई चीज आप फर्ज करेंगे। दिस इज योर सपोजिशन। सपोजिशन ये मैथ्स में जो सपोज करना होता है ना, ये वही है सपोजिशन, फर्ज करना, कोई चीज फर्ज कर लेना, ठीक है। ये आपका अपना जाती ख्याल होता है, ठीक है, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो इंटेलिजेंट गैस, इंटेलिजेंट गैस, यानी कि बड़ा जहानत वाला तुक्का लगाना, आइडिया लगाना। अब ये इंटेलिजेंट गैस जो आप कायम करते हैं ये किसकी बेस पर करते हैं? यहां पर आपकी जो सिंटेक्स बुक बोर्ड की है उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स को स्टेप्स में शामिल नहीं किया गया, हालांकि उसको एक्सपेरिमेंट्स को स्टेप में शामिल करना चाहिए, क्योंकि हाइपोथेसिस जब भी आप कायम करते हैं उससे पहले लाजमी बात है आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और एक्सपेरिमेंट्स आपने किए, किन पे किए? आपने जितने भी मलेरिया के पेशेंट थे उनको लिया, उनके ब्लड सैंपल्स चेक किए, और जो मलेरिया के पेशेंट नहीं थे उनको लिया, उनके ब्लड सैंपल्स चेक किए। तो जो मलेरिया के पेशेंट थे उनके ब्लड के अंदर उनको जर्म मिला, एक क्या मिला? जर्म मिला, जी बिल्कुल, एक जर्म मिला, और उसका नाम था प्लाज्मोडियम। क्या नाम था? प्लाज्मोडियम जो है उसका नाम रखा गया उस जर्म का। और जो पेशेंट नहीं थे मलेरिया के उनका ब्लड टेस्ट किया गया तो वहां पर ऐसा कोई भी जर्म नहीं था। तो यहां पर अब एक्सपेरिमेंट्स की बेस के ऊपर आप जो है अपना हाइपोथेसिस दे सकते हैं। हाइपोथेसिस दे सकते हैं क्या? इंटेलिजेंट गैस दे सकते हैं आप, के प्लाज्मोडियम यानी कि वो जो जर्म था इज द कॉज ऑफ मलेरिया, कॉज ऑफ मलेरिया, और ये प्लाज्मोडियम मलेरिया की वजह है। ये क्या है आपका? ये आपका हाइपोथेसिस है, ये आपका अभी भी ये ख्याल है, आपकी सपोजिशन है, आपका इंटेलिजेंट गैस है। आप सोच रहे होंगे कि यार एक्सपेरिमेंट तो हो गए, पता तो लग गया मलेरिया के पेशेंट के अंदर से ये मिल गया, तो भाई ये यकीनन इसी वजह से है, तो अब इसको हाइपोथेसिस क्यों कह रहे हैं हम? खत्म करें बात को, इसको फाइनल करते हैं कि हाँ प्लाज्मोडियम है। नहीं नहीं भाई, ऐसा नहीं होता साइंस की दुनिया में, ऐसा नहीं होता साइंस की दुनिया में। अभी बहुत काम करना बाकी है, उस पर वर्क करना बाकी है बहुत, ताकि बिल्कुल गुंजाइश ना रहे शक व शुबे की। समझ आ रही है बात? क्योंकि हाइपोथेसिस आपको लग रहा होगा हाइपोथेसिस नहीं है ये, तो एक्सपेरिमेंट भी हो गया, पता लग गया, बात क्लियर हो गई। नहीं, अभी काम बाकी है इसके अंदर, अभी बात है इसमें। अच्छा, तो ये आपका ख्याल था प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया। उसके बाद दुनिया में आपने अब इस बात को फैलाना है, क्योंकि ये तो आपका एक एक्सपेरिमेंट था ना, आपने किया। अभी तो दूसरे और भी बहुत सारे दुनिया में मलेरिया के पेशेंट हैं, हो सकता है कोई दीगर वजह हो, ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, हो सकता है कोई दीगर वजह हो, बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात है। मैंने कहा साइंस में हम कोई भी चीज जो है वो अनसर्टेन नहीं छोड़ सकते, शक की गुंजाइश नहीं छोड़ते। आपने पब्लिश किया इस पेपर को और दुनिया में बताया, और सारे जो बायोलॉजिस्ट थे उनको बोला कि भाई ये मेरा हाइपोथेसिस है। दूसरे बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे? वो सारे वो एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, कंडक्ट करेंगे, मलेरिया के पेशेंट लेंगे और देखेंगे, और फाइनली वो भी इस बात को एंडोर्स करेंगे कि हाँ, क्या कहा मैंने, वो सारे दुनिया भर के साइंटिस्ट एंडोर्स करेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, यही वजह है, प्लाज्मोडियम ही जो है असल में वजह है किसकी? मलेरिया की। तो अब आपका ये हाइपोथेसिस, आपका ये इंटेलिजेंट गैस जो एक्सपेरिमेंट में आपने सामने किया था कि प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, ये अब क्या बन जाएगा? अब इसी इंटेलिजेंट गैस को आप एक नाम दे देंगे, थ्योरी। क्या नाम दे देंगे? थ्योरी। तो थ्योरी क्या है हमारे पास? ये हमारे पास हाइपोथेसिस ही है। इसका मैंने जो है वो हमारे पास ये नोट्स वगैरह में साथ साथ जो है ना वो बनाता रहता हूं। तो थ्योरी का क्या है, टू द पॉइंट बात लिखी हुई है, साइंटिफिकली एक्सेप्टेड आइडिया, साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडिया। अब यहां पर गौर करने वाली बात है, थ्योरी क्या है? साइंटिफिकली, साइंसी बुनियाद पर एक्सेप्टेबल, काबिले कबूल आइडिया जो है उसको हम थ्योरी कहते हैं। तो थ्योरी असल में हाइपोथेसिस ही है, लेकिन ये क्या है? ये इंटेलिजेंट गैस है। और थ्योरी जब इसको, इसी बात को आपने थ्योरी कह दिया, देखें बात वही है,
बात क्या है, बात वही है, लेकिन अब आप जो है इस बात को क्या नाम दे रहे हैं, अब आप इसी हाइपोथेसिस को अब हाइपोथेसिस नहीं कहेंगे, क्योंकि दुनिया भर के साइंटिस्टों ने उसको एंडोर्स कर दिया, इसलिए अब आपकी ही ये बात, इसको क्या दर्जा मिल जाएगा, इसको दर्जा मिल जाएगा, इसको थ्योरी का दर्जा मिल जाएगा। क्यों? अब ये साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल आइडिया है, इसको सब कबूल करेंगे। अब हमें पता लगा, हमें पता ही नहीं था थ्योरी किसको कहते हैं, तो थ्योरी किसी की कही हुई बात है, बात ही है ना भाई ये, और क्या है, लेकिन ऐसी बात जिसको दुनिया भर के साइंटिस्टों ने एंडोर्स किया, ओके किया, ठीक है भाई। तो यही बात, प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अब ये थ्योरी बन गई। क्या अब तो बात खत्म हो गई भाई, आपने जो है वो एक हाइपोथेसिस दिया, आपने खुद एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, आपने बोला प्लाज्मोडियम इज द कॉज ऑफ मलेरिया, अब मान जाना चाहिए कि प्लाज्मोडियम ही वजह है मलेरिया की, लेकिन अब आप मुतमईन नहीं हो रहे, आपने बोला नहीं इसको थ्योरी बनाना है। थ्योरी बनाने के लिए पूरी दुनिया में आपने भेज दिया मामला, और पूरी दुनिया में चला गया, सबने एक्सपेरिमेंट कर लिए, सबने एक ही नतीजे पे पहुंचे, अब तो इसको थ्योरी का नाम दे दिया गया, बस तो बात खत्म हो गई। अब मजीद कुछ करना, कोई शक की गुंजाइश है? नहीं नहीं, थोड़ा सा वेट करें, एक स्टेप अभी बाकी है। यही थ्योरी जो है वो साइंटिफिक लॉ का दर्जा लेगी, साइंटिफिक लॉ, यही थ्योरी, देखें जरा, लॉ असल में ये थ्योरी है, और थ्योरी असल में हाइपोथेसिस ही है, समझ में आ रही है बात आपको? तो साइंटिफिक लॉ जो है कब बनेगा, ये थ्योरी कब बनेगी, रिपीटेड अगेन एंड अगेन, थ्योरी जो है, थ्योरी को एक दफा नहीं, बार बार रिपीट किया जाएगा, इस थ्योरी को बार बार रिपीट किया जाएगा, इसमें एक साल लगेगा, दो साल लगेगा, चार साल, दस साल, बीस साल, पचास साल, तब अब जाके आप मुतमईन होंगे, आप बोलेंगे हाँ भाई अब इसका जो है, इसको एक स्टार और लगा दो, इस हाइपोथेसिस को अब हम थ्योरी नहीं कहेंगे, 10-20 साल हो गए, 50 साल हो गए, और ऐसी कोई गुंजाइश इसमें नज़र नहीं आई, इसलिए अब हम इसको साइंटिफिक लॉ का दर्जा दे देते हैं। लॉ, अब आपको समझ में आया ये लॉ जो है ये क्या है, ये असल में हाइपोथेसिस, किसी का ख्याल है, लेकिन आप देखें हाइपोथेसिस भी किसी की कही हुई बात है, थ्योरी भी किसी की कही हुई बात है, साइंटिफिक लॉ या लॉ जो है वो भी किसी की कही हुई बात है, लेकिन तीनों के दर्जे अलग अलग हैं, तीनों के लेवल अलग अलग हैं, इंपॉर्टेंस अलग अलग है, हाइपोथेसिस को आप इतना इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, यही हाइपोथेसिस थ्योरी बन जाएगा तो आप इसको काफ़ी अहमियत देंगे, लेकिन यही थ्योरी जब साइंटिफिक लॉ बन जाएगी तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा है, अब इसमें शक और शुबे की गुंजाइश नहीं, आप कहेंगे कि 99.99% जो है ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है भाई, समझ में आ गया, मुश्किल था ना, साइंटिफिक अप्रोच, रट्टे मार रहे थे, पता नहीं क्या है सर, समझ लो मेथड है भाई, इस मेथड के जरिए आप क्या करेंगे, साइंटिफिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ये स्टेप कर लें, ऑब्जर्वेशन करें पहले फिनोमेना को, डेटा कलेक्ट करें, उसके बाद एक्सपेरिमेंट्स करें और अपना एक आइडिया दें, और आइडिया देने के बाद फिर दूसरे साइंटिस्टों को बता दें, चेक कर लो भाई अगर कहीं गड़बड़ है तो, सबने चेक किया और उसके बाद वही आपकी बात थ्योरी हो गई, और 10-20-50 साल गुजरने के बाद आपकी वही बात जो है साइंटिफिक लॉ हो गई। क्यों? क्योंकि इस थ्योरी को बार बार रिपीटेड अगेन एंड अगेन क्या किया गया, थ्योरी रिपीटेड अगेन एंड अगेन चेक्ड, ये वर्ड लिखना भूल गया था भाई, थ्योरी चेक्ड अगेन एंड अगेन, तो अब ये क्या बन गई, साइंटिफिक लॉ बन गई। कोई भी प्रॉब्लम है समझ में नहीं आ रही, ठीक है, अभी भी कहीं गड़बड़ है, इसकी वो रह गई है एक्सरसाइज भी कराऊंगा मैं, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी, तो मुझे कमेंट्स में बताएं, कोई भी मसला है मैं आपको दोबारा जो है वो उसको सही करके दूंगा, ठीक है भाई। आसिफ रजा को इजाज़त दीजिए, मुस्कुराते रहिए, नो लाइक नो सब्सक्राइब ओनली शेयर।